गाइज आप लोग अपने YouTube चैनल में शॉर्ट वीडियोस को डाल डाल कर अगर थक चुके हैं और अभी तक आपकी शॉर्ट वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आए क्योंकि आप लोग सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जितनी सारी ये शॉर्ट वीडियोस दिखा रही हूँ यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल नए चैनल पे मैंने शॉर्ट वीडियोस को वायरल करके दिखाया है। अब दोस्तों अगर आप लोग बहुत टाइम से यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रहे हैं पर अभी तक आपकी शॉर्ट वीडियो पर 10-20-50 या ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 व्यूज आकर रुक जाती है तो दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपके वीडियो पे हजारों में नहीं लाखों में व्यूज है वो आने लगेंगे और दोस्तों 10 मिलियन व्यूज का क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ आप एक दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रही हूँ इतना दावे के साथ मैं आपसे कह सकती हूँ क्योंकि आज की वीडियो में आपको जो ट्रिक बताने वाली है वो ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताने वाला है तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये जो शॉर्ट वीडियो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये सभी के सभी जो शॉर्ट वीडियो है मैंने खुद अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ से वायरल कराई है और दोस्तों ये सारी शॉर्ट वीडियो बिल्कुल एक नए चैनल पे वायरल करके दिखाई गई है। अब दोस्तों ये ट्रिक कौन सी या फिर किस ट्रिक से मैंने इन शॉर्ट वीडियोस को वायरल कराया है आप लोग की शॉर्ट वीडियो पे हजारों में भी व्यूज नहीं आते हो मैंने यहाँ से लाखों में भी व्यूज लाके दिखाए हैं तो आप लोग भी अपने वीडियो पे हजारों में नहीं लाखों में व्यूज ला सकते। इसके लिए आपको करना क्या है बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करते जाते पर उनको सही तरीका ही नहीं पता है कि आखिर किस तरीके से शॉर्ट वीडियोस पर व्यूज लाए जाते हैं किन किन टिप्स को फॉलो करना पड़ता है तो आज के वीडियो को देखने के बाद आप लोग अगर अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोस को वायरल करना नहीं सीखे तो दावे के साथ कह रही हूँ मैं यूट्यूब पर भाई वीडियो बनाना बंद कर दूंगी यूट्यूब छोड़ दूंगी। बस ये मैं आपसे गारंटी के साथ कह रही हूँ क्योंकि जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो ट्रिक दोस्तों बिल्कुल नई है और जिन लोगों ने इसको फॉलो कर लिया 100% उनके चैनल पर व्यूज है वो आने लगेंगे हजारों में नहीं वो भी लाखों में। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भाई कल की वीडियो के विनर है इनके चैनल का लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। अगर आप लोग भी फ्री में प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आप लोग एक छोटा सा काम करना है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही वीडियो को पूरा देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट कर देना कमेंट नहीं करेंगे तो आप लोग विनर नहीं बन पाएंगे। और ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल इसको जाके ज्वाइन कर लेना जो लोग भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं उनका फ्री प्रमोशन होता है और यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स उनको बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। तो चलिए फटाफट अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ से मैं आ चुकी हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ठीक है। अब यहाँ से आपको करना क्या है ध्यान से एक एक स्टेप को समझिएगा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले करना क्या है गूगल पे आपको चले जाना है गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है यहाँ पर आपको सर्च करना है टॉप ग्लोबल म्यूजिक चार्ट। आप लोग देख सकते हैं ये आपको अपने गूगल पे जाके सर्च कर लेना है यहाँ पर मैं जाती हूँ ठीक है। जैसे मैंने इसको सर्च किया आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपके सामने काफी सारी वेबसाइट्स हैं वो आ जा रही है पर दोस्तों आपको करना क्या है जो पहली वाली वेबसाइट आ रही इस पर आपको क्लिक करना है टॉप म्यूजिक चार्ट ग्लोबल वीकली टॉप सॉन्ग ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर देखो आपको नंबर दिख रहे हैं ये जो नंबर दिख रहे हैं और इनके नीचे आपको देखो ग्रीन सिग्नल और यहाँ पे देखो रेड सिग्नल दिखते होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इसका सबसे पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा कि आखिर ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल का मतलब क्या है। जो यहाँ पर आपको रेड सिग्नल दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों ये सॉन्ग है इनका जो क्रेज है पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है ये सॉन्ग है अब ट्रेंडिंग में नहीं रहे हैं। जो ग्रीन सिग्नल जिसके नीचे दिख रहा है ये सॉन्ग अभी के टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और यहाँ पर वीकली इन पे बहुत ज्यादा व्यूज है वो आ रहे हैं। यहाँ पर देखो ये भी 6 नंबर पे चल रहा है ये 17 नंबर पे चल रहा है और जिनके नीचे रेड रेड सिग्नल दिख रहा है ये सब सॉन्ग है वो अब ट्रेंडिंग में नहीं चल रहे। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर देखो ये भी चल रहा है ये देखो ये चल रहा है तो आपको क्या करना है जो ग्रीन चल रहा है मतलब जिसके नीचे ग्रीन नंबर आ रहा है टॉप सॉन्ग आपको देखने हैं पांच में से जिसमें ग्रीन सिग्नल आता हो टॉप पे तो आपको वही सॉन्ग को यहाँ पे क्या करना है कॉपी करना है। यहाँ पर आपको अपने माइंड में बिठा लेना है कि आखिर यहाँ से मैंने कौन सा सॉन्ग है वो लिया। यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉन्ग मिल जाते हैं यहाँ पर देख सकते हो वीकली टॉप सॉन्ग तो यहाँ पर हफ्ते के आपको टॉप सॉन्ग दिखाए जाते हैं कि आखिर हफ्ते में कौन कौन से सॉन्ग है वो बढ़िया चल रहा है तो आपको रेगुलर यहाँ पे आके सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको जो सबसे पहला ग्रीन सिग्नल दिखे उस सॉन्ग को आपको क्या करना है इस तरीके से उसका टाइटल है इस तरीके से आपको कॉपी करना है। यहाँ से मैंने क्या किया इसका टाइटल यहाँ से कॉपी कर लिया। अब टाइटल कॉपी करने के बाद आपको दिमाग में बिठा लेना है अब आपको करना क्या है ध्यान समझिएगा एक एक चीज को। अब यहाँ चले जाते हैं बैक बैक जाने के बाद अब आपको अपना यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जैसे आप यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ से क्रिएट अ शॉर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में जो भी शॉर्ट वीडियो है आपको सिंपली करना क्या है वो शॉर्ट वीडियो यहाँ से ले लेनी है। जैसे कि मैंने इस वाली शॉर्ट वीडियो को यहाँ से ले लिया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुकिंग की वीडियो है ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको सबसे पहली ट्रिक क्या लगानी है YouTube ने ये ट्रिक खुद बताई है मैं नहीं बता रही YouTube की खुद बताई हुई है आगे आपको वो भी पता चलेगा। तो
तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को यहां से इतना काटना है, इस वीडियो को यहां से इतना काटना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहां से मैं चलती हूँ, यहां से मैं थोड़ा काट देती हूँ इधर, तो मैंने दोनों तरफ से इस वीडियो को थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दिया। थोड़ा थोड़ा ट्रिम करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे देखो डन का ऑप्शन आ रहा है, इस डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो आपको राइट का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो यहाँ पर शो होने लगेगी, ठीक है। अब आपको क्या ट्रिक लगानी है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको एड म्यूजिक पे चले जाना है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पे म्यूजिक एड करो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है सर्च बार में, सर्च बार में यहाँ पर सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको वही सॉन्ग जो हमने अभी देखा था ट्रेंडिंग में, जिसके नीचे ग्रीन सिग्नल दिख रहा था, वो अगर आपको सॉन्ग यहाँ पर दिखे तो सबसे पहले आप यहीं से उस सॉन्ग को ले सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे सर्च आइकन पे क्लिक करना है और उस सॉन्ग का जो हमने टाइटल कॉपी किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे सामने आ चुका है। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे यहाँ पर ये देखो सॉन्ग आ रहा है, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऑफिशियल म्यूजिक आ जाएगा, ओरिजिनल साउंड आ जाएगा। तो आप यहां से क्या करेंगे, इस पर सिंपली क्लिक कर लीजिए। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे इस सॉन्ग को क्या करना है, अपनी वीडियो के अंदर ऐड करना है। तो यहां पर देखो इस तरीके से आपको इस सॉन्ग को सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहां पर देखो आपके सामने ब्लू एरो आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे अब देखो ये वाला जो साउंड है हमारी वीडियो के अंदर ऐड हो गया, जो कि पूरे टॉप वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल में, मतलब कि पूरे के पूरे देश में ये सॉन्ग है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ये टू डॉट दिख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप लोगों ने मान लीजिए अपनी वीडियो के अंदर पहले से ही वॉइस ओवर करके रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपनी जो ओरिजिनल वॉइस है इसको आपको क्या करना है, पूरा 100% कर देना है। अब आप चाहते हैं कि आपको अपनी वीडियो के अंदर सॉन्ग यूज नहीं करना, तो ये सॉन्ग का जो आइकन है इसको आप पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। जैसे आप इसको बंद कर देंगे तो जो यहाँ से आपकी ओरिजिनल वॉइस है बस वही सुनाई देगी और कुछ भी सुनाई नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज है वो लिख देनी है। यहाँ पर आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाओ, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चले जाओ, यहाँ पर लिख दो आप लास्ट में, इस तरीके से लिख दो ये क्या हुआ, इस तरीके से मैंने लिखा। और यहां से आपको क्या करना है, यहां पर आपको इस तरीके से लिख देना है और यहां से आप इसको इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहां पे लिख दिया, अब यहां पर आप कोई सी भी एक इमोजी का भी यहां से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने शॉक वाली इमोजी यहां से यूज की, डन करेंगे। डन करने के बाद आप यहां पर इस तरीके से बड़ा करके लिख दो, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिख दिया लास्ट में ये क्या हुआ, तो यहां पर आपने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहां से नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो यहां पर आपको पेंसिल के आइकन पे जाना है। पेंसिल के आइकन पे जाने के बाद यहां से थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद आपको जो भी पार्ट अपने वीडियो में अच्छा लगे, जैसे कि मुझे ये पार्ट सबसे अच्छा लग रहा है तो इसको देखो मैंने लिख दिया, यहाँ पर दिख रहा है लास्ट में ये क्या हुआ, तो यहाँ पर आपको डन करना है। जैसे ये वीडियो किसी के सामने पड़ेगी आपकी वीडियो पर तुरंत के तुरंत क्लिक करेगा। अब यहाँ पर जो कैप्शन है इसमें भी आप यही लिख दो कि लास्ट, यहाँ पर आपको यही लिखना है लास्ट में ये, ठीक है, यहाँ पर इसी तरीके से लिखना है ये क्या हुआ, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको वही अपनी शौक वाली इमोजी है उसको यहाँ से बना देना है। मैंने यहाँ से लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको किस तरीके से यहाँ पे हैशटैग लगाने हैं, किस तरीके से यहाँ पर अपनी वीडियो को वायरल कराना है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब इस वीडियो को अनलिस्टेड करके अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर लीजिए। ऑडियंस को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, अपलोड शॉर्ट्स कर देना। ये हैशटैग आपको बाद में लगाना है, यहाँ से अपलोड शॉर्ट्स कर दीजिए। अपलोड शॉर्ट्स करने के बाद यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, सर्च आइकन आ रहा है, इस सर्च आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे सर्च आइकन पे क्लिक किया यहाँ पे मैं कर देती हूँ हैशटैग शॉर्ट्स को सर्च। जैसे ही मैंने हैशटैग शॉर्ट्स को सर्च किया तो यहाँ पर देखो मेरे सामने ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इतने सारे लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.7 करोड़ चैनल ने यहाँ पर शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट्स का यूज किया है। कितने चैनल, 4.7 करोड़ चैनल ने हैशटैग शॉर्ट्स का यूज किया है अपनी वीडियो के अंदर। उसी वजह से यहाँ पे देखो 8 दिन के अंदर 1.4 करोड़ व्यूज आए, 9 दिन के अंदर 1.3 करोड़ व्यूज आए, 9 दिन के अंदर 1.2 करोड़ व्यूज आए। यहाँ पर शॉर्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देखो यहाँ पर 44 करोड़, 8.9 करोड़, 6.9 करोड़, 5.2 करोड़, 8.9 करोड़, 18 करोड़, इसी तरीके से इन लोगों की वीडियो पर व्यूज आए। अभी शॉर्ट्स का जो हैशटैग है ये दोस्तों बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसी तरीके से आपकी वीडियो वायरल होगी, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर आपकी वीडियो जिस कैटेगरी की है आपको यहाँ पे लिखना है
टॉप यहाँ, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना टॉप शॉर्ट्स हैशटैग फॉर रेसिपीज। मेरी वीडियो रेसिपी की थी तो मैंने यहाँ पर रेसिपी सर्च किया, यहाँ से मैं सर्च कर लूंगी। जैसे मैं यहाँ से सर्च करूंगी, यहाँ से आपको पहली वाली वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे आप पहली वेबसाइट पे जाएंगे तो आप नीचे की साइड चले जाओ, यहाँ पर देखो आपको रेसिपी से रिलेटेड बहुत सारे हैशटैग है वो मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ से क्या करना है, इस तरीके से आपको टॉप के कुछ हैशटैग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, टॉप के कुछ हैशटैग यहाँ से आपको कॉपी कर लेने। जैसे आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर चले जाओ। यहाँ से मैं YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर आ गई, यहाँ से मैं शॉर्ट वाले ऑप्शन पे चली जाती हूँ और यहाँ से मैंने उसी वीडियो पर क्लिक कर लिया और यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको यहीं पे वो हैशटैग है उनको पेस्ट कर देना। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अब यहाँ से आपको टॉप के 3 हैशटैग उठाने हैं। टॉप के 3 हैशटैग उठाने के बाद यहाँ से आपको जाना है और टाइटल में इस तरीके से पेस्ट कर देना है। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए कि आपको करना क्या है। अब इस तरीके से आपको पूरा टाइटल यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको टॉप में वो टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब टाइटल पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी वीडियो को अनलिस्टेड से आपको पब्लिक करना है। पब्लिक करने का सिंपली अपनी वीडियो को यहाँ से कर देना है सेव। अब दोस्तों आपके वीडियो के अंदर क्या हुआ, पॉपुलर हैशटैग भी लग गए, आपके वीडियो में ट्रेंडिंग में जो सॉन्ग चलते हैं पूरे ग्लोबल में वो भी लग गया और यहाँ से आपकी वीडियो का प्रॉपर SEO हो गया और यहाँ से आपकी वीडियो के अंदर एक्साइटमेंट भी बना दिया गया। तो इस तरीके से आप लोग की वीडियो बहुत तेजी के साथ यहाँ से वायरल होती है, तो यहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस अगर आप लोग अपनी वीडियो के अंदर इतना काम कर लेते हैं तो आप लोग की वीडियो पर भी कुछ इस तरीके से व्यूज आने लगे कि जैसे इन लोगों की वीडियो पर आ रहे हैं। दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से अपने वीडियो के अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स, टैग्स का तो आप लोग नाम ही मतलब टैग्स अगर नहीं भी लगा रहे तब भी आपकी वीडियो है प्रॉपर तरीके से वायरल हो जाएगी। ये लोग भी अपनी किसी वीडियो के अंदर टैग्स नहीं लगाते, अगर आप जाएं तो चेक करके देख लीजिएगा, इन लोगों की वीडियो में आपको एक भी टैग नहीं मिलेगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों के पास ऑडियंस बन जाती है तो आप लोग चाहे कुछ भी मत लगाओ फिर भी आपकी वीडियो वायरल हो जाती है, पर जो मेहनत करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है आपको स्टार्टिंग में अपनी एक ऑडियंस को बनाने के लिए। तो आप लोग इन लोगों की तरह अपनी शॉर्ट वीडियो को अगर वायरल करना चाहते हैं तो जो ट्रिक मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई वो ट्रिक आपको 100% लगानी है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं चलती हूँ इंस्टाग्राम पर। अब यूट्यूब ने खुद अपने आप ही बताया, देखो यहाँ पर आप चेक करिएगा, यहाँ पर मैं चलती हूँ इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना यूट्यूब क्रिएटर्स इंडिया, यहाँ पर आपको ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद और यहाँ पर देखो यूट्यूब ने खुद बताया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज द लेआउट ऑफ एनी कॉन्टेंट आर टर्निंग। यहाँ पर देखो अंडर 1 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, 1 मिनट से अंदर अंदर की वीडियो बनाओ, रिमिक्स करो और एडिट कर दो। देखो यहाँ पर ट्रिम करने का बताया, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसी तरीके से लेआउट बनाना और यहाँ से अपनी वीडियो को इसके अंदर रिमिक्स कर देना। यहाँ पर देख सकते हो ऊपर से आपको अपनी वीडियो लगा देनी है, तो इसी तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो YouTube ने ये ट्रिक खुद बताई, आप लोग भी इसी ट्रिक का यूज करके अपनी वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज ला सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक दोस्तों YouTube पर आपको कोई भी नहीं बताएगा। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।